नमस्कार, मैं आदित्य प्रकाश, जिला पदाधिकारी किशनगंज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किशनगंज ज़िला अभी ग्रीन जोन में है और ये सब आप लोगों के समर्थन और समन्वय के कारण ही हो पाया है। इसमें आप लोगों के द्वारा बहुत ही अनुकरणीय रूप से जो लॉकडाउन इन्फोर्समेंट है उसका आप लोगों के द्वारा पालन किया गया। मैं आप सभी से यही अनुरोध करूँगा कि अगले 2 से 3 दिन भी इसी लॉकडाउन का अक्षरशः अनुपालन करें। जब जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइंस आ जाती हैं कि ग्रीन जोन में हम लोग को किन एक्टिविटीज़ को परमिट करना है, किनको हम लोग नहीं करना है, उसे जिला प्रशासन आप तक हम लोग पहुँचा देंगे। किन शर्तों के साथ हम परमिट करने देंगे ये भी हम आप सभी को बता देंगे। ये अगले 2 से 3 दिन में गाइडलाइंस आ जाएंगी। तब तक के लिए मैं अनुरोध करूँगा आप सभी से कि जिस व्यवस्था के अंतर्गत पिछले 30 दिनों तक हम लोग लॉकडाउन को अनुपालन किए हैं उसी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों को अगले 2 से 3 दिन तक भी लॉकडाउन का अनुपालन करना होगा। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि किशनगंज ज़िले के चारों तरफ जो भी ज़िले हैं वो या तो रेड जोन में हैं या ऑरेंज जोन में हैं या फिर वहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने की उम्मीद है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग अगर बहुत ज़्यादा ढिलाई करेंगे लॉकडाउन के नियमों में तो वैसी परिस्थिति में ये भी हो सकता है कि किशनगंज का ग्रीन जोन हम लोग मेंटेन करने में असफल रहें तथा वैसी परिस्थिति में हम लोग ऑरेंज या रेड जोन में भी एंटर कर सकते हैं। अतः मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि जो जैसा कि केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में वर्णित है उसी प्रकार से हम लोग को जो है राज्य सरकार के गाइडलाइंस का वेट करें। जैसे ही गाइडलाइंस आ जाती हैं अगले 1 से 2 दिनों के भीतर उसे हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे कि किन शर्तों के साथ हम लोग दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान करें।